चलिए, तो नाउ लेट अस कम टू द थर्ड पार्ट ऑफ द डेफिनेशन व्हिच इज ऑल अबाउट मेकिंग एन ओपिनियन। दोस्तों जब अपन ओपिनियन की बात करें तो आप बताइए ऑडिटर क्या ओपिनियन बनाता है? चार टाइप के ओपिनियन, शाबाश। ऐसे जनरली बताइए ओपिनियन का मतलब क्या होता है? नॉर्मली जो हम फ्रेज यूज करते हैं ना ओपिनियन में, कोई क्या फ्रेज होता है, क्या लिखते क्या है? बैलेंस शीट पी एंड एल गिव्स अ क्या, ट्रू एंड फेयर व्यू, करेक्ट। तो व्हाट ओपिनियन डू वी यूज, ट्रू एंड फेयर या ट्रू एंड करेक्ट? ट्रू एंड फेयर। अगर मैं आपसे डिफरेंस पूछू ट्रू एंड फेयर और ट्रू एंड करेक्ट का, पीछे से शुरुआत करते हैं, बताइए। ट्रू एंड करेक्ट मतलब एब्सोल्यूटली राइट, और ट्रू एंड फेयर मतलब ठीक है, सही है। ज्यादा क्या मुश्किल है देना, ट्रू एंड करेक्ट ना कि ट्रू एंड फेयर। ये कैसे निकाला मैंने, देखो ट्रू ट्रू कॉमन कट गया, तो कंपैरिजन बचा फेयर और करेक्ट में। फेयर का मतलब ठीक, करेक्ट का मतलब सही। सही बोलना मुश्किल है, ठीक बोलना आसान है, खत्म। ट्रू तो ऐसे ही टाइम पास करने के लिए रखा, पर ना अकेले ठीक नहीं लग रहा था, ऐसे बोले फ्लो में थोड़ा लिखा। मेरा अगला सवाल है तुमसे, ट्रू और करेक्ट में क्या फर्क है बताओ? सच्चा और सही, बहुत बढ़िया। ट्रू और करेक्ट में फर्क बताइए। ट्रू मतलब जो सही है, करेक्ट मतलब जो लॉ के अकॉर्डिंग सही है। दोस्तों ये देखो, ये सीए फाइनल का स्टूडेंट है, उसको आप ट्रू और सही में डिफरेंस पूछ लो, वो भी निकाल के दे देगा। ऑक्सफर्ड को भी नहीं मालूम इन दोनों में क्या डिफरेंस है, पर अपन निकाल के दे देंगे, क्योंकि बोला है तो कुछ तो होगा, हाथों हाथ निर्माण होगा एक नए फंडामेंटल का। एक चीज समझो दोस्तों, ट्रू एंड फेयर देना ज्यादा मुश्किल है इन कंपैरिजन टू ट्रू एंड करेक्ट। ट्रू एंड करेक्ट का मतलब होता है सही, ट्रू एंड फेयर का मतलब है सही एंड प्रेजेंटेशन भी सही। समझ में आ रही है आपको बात? सैटरडे का दिन था और सीए ने कह दिया कल आना पड़ेगा। हमने बोला सर कल तो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि सर ने कल क्लास रखी है, ऑडिट की क्लास है, और ऑडिट तो हम छोड़ ही नहीं सकते। हेलो, हमारे लिए हर एक क्लास एक एक मार्क है, तब जाके 45 आएंगे, तो क्लास तो हम छोड़ ही नहीं सकते। सीए ने बोला यार काम है, ऐसे नहीं चलता है, क्लास क्लास के चक्कर में ये सब क्या है। हमने बोला नहीं सर, पहली बार हमको संडे की क्लास होने की खुशी भी हुई है। हमने बोला अब तो क्लास जाएंगे। अब आप लोग सब क्लास आ गए, सुबह का समय था आपका, एकदम टाइम से आप क्लास में पहुंच गए, और जैसे ही आप क्लास पर यहां पे आए, आपके पास एक मैसेज आया कि दोस्त आज नहीं आ पा रहे। आप बताओ जैसे ही मैसेज आएगा क्या सीधे आप भागोगे क्या ऑफिस की, यार सर ने बुलाया था चलो काम करें? सवाल ही नहीं उठता, सवाल ही नहीं उठता। अपन तो सीधे उठ के गए, हमने बोला यार सामने ही सेंट्रल मॉल है, और सुबह की टिकट के मजे ही कुछ और है। अपन ने बोला बढ़िया, 3 घंटे ₹70 में एसी में देखेंगे। तो सबके सब पूरा का पूरा अपना क्या हुआ, इकट्ठे करके अपन वहां चले गए। अब दिक्कत ये हो गई कि मॉल में हम मल्टीप्लेक्स में मूवी देखने गए, और वहां मॉल में सीए भी आया था कुछ काम से। दिक्कत ये हो गई कि सीए ने हमको देखा लेकिन हमने सीए को नहीं देखा। कोई मॉल में सीए देखने जाता है क्या? बस फिर क्या था, मंडे के दिन हम ऑफिस पहुंचे, सीए ने हमको केबिन में बुलाया, उसने हमसे पूछा क्यों कल तुम क्लास गए थे? हम बोला हाँ तो गए थे। आप बताइए दोस्तों क्या हमने झूठ बोला? उसने हमसे पूछा क्या तुम क्लास गए थे? हमने बोला हाँ गए थे। अब पूछता क्या क्लास अटेंड करी? तो हम बताते सर ही नहीं आए तो अटेंड क्या करते। क्या आपका जवाब सही है? हाँ, पर क्या ये जवाब फेयर है अनफेयर है? आपने सही जवाब देके दोस्तों वो इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचाई जो सामने वाला जानना चाह रहा था। ऑडिटर को उस स्तर का ऑडिट करना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिर्फ सही ना हो, सही के साथ साथ फेयरली प्रेजेंटेड हो, ताकि यूजर तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, इन्वेंटरी कहां दिखती है दोस्तों बताओ?
बैलेंस शीट में, बहुत बढ़िया, असेट साइड में, बहुत बढ़िया, करंट असेट्स में पहुंच गए फाइनली। तो इन्वेंटरी को अपन कहां दिखाते हैं, करंट असेट्स में। मेरे पास एक इन्वेंटरी रखी हुई है जो दो साल से बिकी नहीं और लगता नहीं अगले दो साल तक बिकेगी। मेरा ऑपरेटिंग साइकिल इतना लंबा नहीं है, पर ये वाली बिक नहीं रही है। आप बताइए ये कहां दिखेगी, करंट असेट्स, क्योंकि इन्वेंटरी हमेशा हर केस में करंट असेट्स में ही दिखती है, उसका नॉन करंट असेट में कोई हेड ही नहीं। इनफैक्ट डेफिनेशन में ही कहा गया है कि गुड्स प्राइमरली हेल्ड फॉर सेल नॉट द रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस आर करंट असेट्स। मुझे बताओ क्या इन्वेंटरी को करंट असेट्स में दिखाना करेक्ट है, बोलो। हाँ, पर क्या ये फेयर है? नहीं, क्यों? क्योंकि देखा जाए तो ये लिक्विड नहीं है। तो ऐसी इन्वेंटरी के लिए कहीं ना कहीं एक नोट लगाया जाना चाहिए मैनेजमेंट के द्वारा कि ये इन्वेंटरी को हमने करंट क्लासिफाई किया है बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द एसेट। हाउएवर दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स और इन द ऑपरेटिंग साइकिल। अगर ऐसा प्रेजेंटेशन नहीं आता है तो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू होंगे पर फेयर नहीं होंगे। तो मैनेजमेंट ने बोला भैया मैं तो नहीं करने वाला ये प्रेजेंटेशन या ये डिस्क्लोजर। तो आप बताइए क्या आप एज एन ऑडिटर, क्या आप एज एन ऑडिटर रिपोर्ट क्वालिफाई कर सकते हो? हाँ, क्यों? क्योंकि हम बोल सकते हैं मैनेजमेंट को कि तुमने जो किया है वो सही है लेकिन फेयर नहीं है। यानी मैनेजमेंट हमसे ये कंटेस्ट नहीं कर सकता है कि यार जो हमने किया ये गलत नहीं है तो तुम रिपोर्ट कैसे दे रहे हो। हम उसे क्या बोलेंगे, बॉस गलत होना ही पर्याप्त नहीं है, उपयुक्त भी होना चाहिए। आपका प्रेजेंटेशन ठीक नहीं है, आप चाहो तो इसे फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल से भी रिलेट कर सकते हो। बट व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड इज ओपिनियन जो अब हमें देना है वो ट्रू एंड फेयर है, जो देना और ज्यादा मुश्किल है। सब्सटेंस ओवर फॉर्म वाली बात आ जाती है यहाँ पे। तो हुआ यह था दोस्तों, सालों पहले कभी कोर्ट में एक केस गया था, पहले ट्रू एंड करेक्ट फ्रेज यूज होता था। लंदन में एक केस हुआ था, केस ऐसा था कि एक कंपनी ने बहुत ज्यादा प्रोविजन फॉर बैड डेट बना दिया और डिस्क्लोज कर दिया कि हमने सेफर राइट पे प्रोविजन फॉर बैड डेट ज्यादा बनाया है। ऑडिटर ने रिपोर्ट में लिख दिया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर ट्रू एंड करेक्ट। शेयर होल्डर ने केस लगा दिया कंपनी पे कि कंपनी जान करके ज्यादा प्रोविजन बना रही है ताकि प्रॉफिट कम आए जिससे कि डिविडेंड कम बटे और इससे हमारा नुकसान हो रहा है। और ऑडिटर भी इसमें इक्वली रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि उसको रिपोर्ट क्वालिफाई करना चाहिए थी। कोर्ट में केस गया तो कोर्ट ने, लॉर्ड ने कहा कि ऑडिटर इज नॉट रॉन्ग इन दिस केस, मैनेजमेंट इज, क्योंकि मैनेजमेंट क्या कर रहा है, एक्सेस प्रोविजनिंग कर रहा है, गलत है। पर ऑडिटर गलत नहीं है क्योंकि जो ऑडिटर कर रहा है वो क्या है, वो सिर्फ ये कह रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर ट्रू एंड करेक्ट। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए गए हैं वही दिखाए गए, वो सही है। लेकिन ये बात अलग है कि फाइनेंशियल्स आपके फेयर नहीं है, अनफेयर है, एक्सेस प्रोविजनिंग है, सीक्रेट रिजर्व्स बनाए जा रहे हैं आपकी कंपनी के द्वारा, जिनको प्रॉफिट्स में शामिल रखना चाहिए उनको प्रोविजन में दिखाया जा रहा है। लेकिन दिक्कत यह है कि ऑडिटर से ये एक्सपेक्टेड नहीं है। क्या एक्सपेक्टेड नहीं है? कि वो सही के बियॉन्ड जाके कमेंट कर सके कि यह सही है पर उपयुक्त नहीं है। तब जाके लॉर्ड ने कहा कि अब से हम दरखास्त करते हैं कि अक्रॉस क्या किया जाए, ट्रू एंड फेयर व्यू का यूज किया जाए। तब के बाद से फिर अक्रॉस द वर्ल्ड अब ट्रू एंड फेयर व्यू यूज होता है। आ रहा है समझ में? जब अपन एसेस पढ़ेंगे ना तो दो फ्रेमवर्क पढ़ेंगे, कंप्लायंस फ्रेमवर्क और फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, तब ये डिस्कशन और आएगा। तो हमें ओपिनियन क्या देना है, ट्रू एंड फेयर व्यू। और ट्रू एंड फेयर व्यू में आप बताइए कितने तरह के ओपिनियन दे सकते हो आप? कितने जल्दी बोलो, टाइप्स ऑफ ओपिनियन कितने होते हैं? तीन। क्या क्या? क्वालिफाइड, मॉडिफाइड, अनमॉडिफाइड। बहुत बढ़िया दोस्तों, ओपिनियन सिर्फ दो तरह के होते हैं, मॉडिफाइड और अनमॉडिफाइड। मॉडिफाइड तीन तरह के होते हैं, क्वालिफाइड, एडवर्स और डिस्क्लेमर। ठीक है, ये सब तुमने बहुत पढ़ा है, इस पे मैं ज्यादा समय नहीं दूंगा। ठीक है, तो ये फटाफट देख लेते हैं अपन टाइप्स ऑफ ओपिनियन। ओ, ये तो ऑफिस वाला है। मूवी देखी, ये सीए, ये मजे ले रहे हो आप, ट्रू एंड करेक्ट, ट्रू एंड फेयर, कूल। टाइप्स ऑफ ओपिनियन देखिए, ओपिनियन दोस्तों अगर आप देखोगे तो यू हैव अनमॉडिफाइड विच इज टाइप 1 एंड मॉडिफाइड विच इज टाइप 2। बस ओपिनियन दो ही तरह के होते हैं।
ये सब डॉटेड लाइंस होना चाहिए, ये ओपिनियन नहीं है ना, इनको छोड़ दीजिए, अलग हटाइए। ओपिनियन दो ही होते हैं, मॉडिफाइड और अनमॉडिफाइड। मॉडिफाइड तीन तरह का होता है, क्वालिफाइड, एडवर्स और डिस्क्लेमर। फर्क क्या है इसमें? सब गलत है, एडवर्स कुछ छोड़ के बाकी सब सही है। क्वालिफाइड चेक ही नहीं कर पा रहे, डिस्क्लेम कुछ चेक कर नहीं पा रहे हैं, बाकी सब सही है। कुछ चेक नहीं कर पा रहे बाकी सब सही है, क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर? क्वालिफाइड। ध्यान रखना दोस्तों, एडवर्स और डिस्क्लेमर ये दो ओपिनियन पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे दिए जाते हैं। यानी अगर आपको लगता है कि कुछ चीजें गलत है बाकी सब सही है, तो आप क्या नहीं दोगे? डिस्क्लेमर या एडवर्स नहीं देते। डिस्क्लेमर का मतलब हम ओपिनियन ही नहीं दे पा रहे, समझ में आ रही है बात? तो सब कुछ सही है, ट्रू एंड फेयर व्यू, अनमॉडिफाइड, जिसे पहले अनक्वालिफाइड बोलते थे पुराने जमाने में, क्लीन रिपोर्ट, अनमॉडिफाइड। जज साहब ने बोल दिया नहीं, सलमान भाई गाड़ी नहीं चला रहे थे, खत्म, अनमॉडिफाइड क्लीन चिट दे दी गई। जज साहब ने बोला सलमान भाई गाड़ी नहीं चला रहे थे, इनफैक्ट सलमान भाई गाड़ी चला रहे थे लेकिन उन्होंने गाड़ी राहगीर के ऊपर से नहीं निकाली, हाँ स्पीड उनकी ज्यादा थी इसलिए उनके ऊपर दंड लगाया जाएगा। ये क्या है? क्वालिफाइड। उन बोला नहीं, सलमान भाई ने गाड़ी चलाई है और उसके ऊपर उन्होंने ही गाड़ी चलाई है, एडवर्स। उन्होंने बोला सबूतों के अभाव पे हम कोई डिसीजन नहीं दे पा रहे हैं, डिस्क्लेमर। समझ में आ रहा है? एग्जाम दी हम, सारे के सारे एग्जाम्स में पास हो गए, अनमॉडिफाइड। हेलो, मॉरल साइंस में फेल हो गए, बाकी सब में पास। मॉरल साइंस एक सब्जेक्ट हुआ करता था हमारे स्कूल में, उसमें फेल हो गए, बड़ा अजीब था। उसमें क्वेश्चन आया था, डू यू बिलीव इन गॉड, इफ यस गिव रीजंस, हम नो दे आए, 20 मार्क का क्वेश्चन था। हमारे हिसाब से तो 20 पूरे बनते थे हमारे, क्योंकि रीजन तो यस में ही देने थे। मॉरल साइंस में फेल हो गए, बाकी सब में पास, ये क्या है? क्वालिफाइड। सिर्फ मॉरल साइंस में ही पास हुए, बाकी सब में फेल है, क्वालिफाइड देंगे क्या? क्या बोलोगे आप? मॉरल साइंस बढ़िया है, ऐसा बोलोगे कि हम 5-6 में फेल हो गए बाकी सब पास है? एडवर्स ही दोगे ना भाई, थोड़ी सी चीज सही है बाकी तो कुछ है। वी डोंट बिलीव इन एग्जाम्स, हमारा कंपटीशन खुद से, ये टेस्ट ये एग्जाम्स। कौन होता है कोई जो मुझे जांचेगा और मुझे बताएगा कि मैं पास हुआ या नहीं? मैं खुद डिसाइड करता हूं मैं पास हुई या फेल। आई डोंट बिलीव इन एग्जाम, हम जाते ही नहीं है देने। क्या टीचर बोल सकता है ये अच्छा नहीं पढ़ता है? उसको पता ही नहीं, हमने कभी एग्जाम दी नहीं, बस ऐसे नहीं कर पा रहा है। तो ये क्या है? डिस्क्लेमर। तो डिस्क्लेमर में आप ये नहीं बोल सकते फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है, आप क्या बोलोगे? वी आर अनेबल टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। नॉर्मली जब चेक नहीं कर पाता है ऑडिटर तो क्या देता है? डिस्क्लेमर। नॉर्मली जब गलतियां मिलती है उसे जो मैनेजमेंट सही नहीं करता है तो वो क्या देता है? एडवर्स। लेकिन ये दोनों चीजें हैं पर इसका इंपैक्ट पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे नहीं जाता है तो फिर वो क्या देता है? क्वालिफाइड। मैंने कंपनी में 10 ब्रांच थी, सब चेक किया, एक ब्रांच में प्रॉब्लम है बाकी सब सही है, क्या करोगे? एक ब्रांच में गड़बड़ थी जो मैनेजमेंट सही नहीं कर रहा है तो क्या रिपोर्ट दोगे? क्वालिफाइड चलेगा। पर वो ब्रांच सबसे बड़ी ब्रांच थी बिजनेस की, 60% बिजनेस उसी ब्रांच में होता है, वहां सब गड़बड़ है तो क्वालिफाइड से काम नहीं होगा दोस्तों, समझ में आ रहा है? भले ही 9 ब्रांच सही है पर ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गड़बड़ी है, समझ में आया? बोलो ना। तो एडवर्स जाएगा। मैं कंपनी में इन्वेस्टमेंट चेक नहीं कर पाया, क्या दोगे? मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इन्वेस्टमेंट चेक नहीं कर पाया, क्या दोगे? क्वालिफाइड, सब्जेक्ट टू इन्वेस्टमेंट, एवरीथिंग एल्स गिव्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू। लेकिन अगर वो इन्वेस्टमेंट कंपनी होती, वहां सब चेक हो गया, इन्वेस्टमेंट छोड़ गया, डिस्क्लेमर बचाएगा। और गलत निकलते इन्वेस्टमेंट तो फिर एडवर्स, और नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी होती तो फिर क्वालिफाइड। समझ में आ गया सबको? लेकिन दोस्तों अब क्या होता है ना, अब दो चीजें आप रिपोर्ट में और दे सकते हैं। जैसे कि आपके स्कूल के रिपोर्ट कार्ड में हो सकता है कि आप पास सब में है, लेकिन फिर भी ऐसा होता है क्या कि मैडम एक नोट डाला करती थी, गुड कैन डू बेटर,
ऐसा लगता था हमको कि स्टैम्प बना रखा है मैडम ने, सब में लिख दी थी। एक बार तो हद हो गई, हमारे सारे के सारे टेस्ट में 10 में से 10 आए, वहां पे भी लिख दिया गुड कैन डू बेटर, हमने रिप्लाई में लिखा तू करके बता, कोई बात होती है। तो अब ये क्या है गुड कैन डू बेटर, व्हाट इज दिस? या सपोज कई बार ऐसा कोई एक रिमार्क आ गया कि वी विल लाइक यू टू बी मोर पंक्चुअल, पास सब में हो आप पर एक रिमार्क डाल दिया ऐसा, क्या बोलते हैं? या एक रिमार्क डाल दिया पास बट मार्क्स इन मैथमेटिक्स आर एक्सेप्शनली लो, ये क्या है? क्या ये क्वालिफिकेशन है क्या? नहीं। तो दोस्तों ऐसा हो सकता है कि कई बार आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के किसी मुद्दे को हाईलाइट करने की जरूरत महसूस हो। क्या करने की जरूरत महसूस हो? हाईलाइट करने की। इसे क्या बोलेंगे? एम्फेसिस ऑफ मैटर। यूएम कब देते हैं? जब जो चीज ऑलरेडी आ रही है उसे हाईलाइट किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन कोई चीज ऑलरेडी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं है पर मैं अलग से बता रहा हूं, यू शुड बी मोर पंक्चुअल, दिस इज अदर मैटर। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मैंने इस साल ऑडिट किया और लास्ट ईयर किसी ने ऑडिट किया ही नहीं था, तो मैं रिपोर्ट में लिखना चाहूंगा कि प्रीवियस ईयर वर अनऑडिटेड, प्रीवियस ईयर फिगर्स आर अनऑडिटेड। क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहीं लिखा हुआ है क्या ऑडिटेड अनऑडिटेड? नहीं, पर आप बता रहे हो क्या? हाँ, तो ये क्या है? अदर मैटर। या इस साल ज्वाइंट ऑडिट हुआ है तो हम बताना चाह रहे हैं कि वी हैव ज्वाइंट ऑडिटेड दिस पर्टिकुलर कंपनी बाय डिवाइडिंग द वर्क एंड डूइंग द ऑडिट एज पर प्रोविजन ऑफ एसए 299। ये क्या है? अदर मैटर। क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो चीज आ रही है उसको एम्फेसाइज कर रहा हूं या एक अदर मैटर है? अदर मैटर। अरे बोलो ना, हाँ बताओ, अदर मैटर आने से रिपोर्ट क्या क्वालिफाइड हो जाएगी, मॉडिफाइड हो जाएगी? नहीं। ध्यान रखना, ओपिनियन दो ही होते हैं, मॉडिफाइड और अनमॉडिफाइड। ये दो चीजें आपके ओपिनियन को अफेक्ट नहीं कर रही हैं। दीज आर व्हाट यू समझ लीजिए कि ऑडिटर के पास एक थोड़ी सी क्या दी गई है, स्पेस दी गई है कि वो कुछ और चीजें भी लिखना चाहे रिपोर्ट में तो लिख सकता है। यानी ऑडिटर की कही गई हर बात क्वालिफिकेशन है ऐसा नहीं है, मॉडिफिकेशन है ऐसा नहीं। एक बात एग्जाम के लिए ध्यान रखना बहुत अच्छे से, कई बार ऐसा होगा पूछा जाएगा एज एन ऑडिटर व्हाट विल यू डू। तो सपोज आपको एक क्वेश्चन आता है कि ड्यूरिंग द ईयर यू हैव फाउंड दैट कंपनी हैज मेड अ लॉट ऑफ कैश एक्सपेंसेस फॉर विच नो प्रॉपर सपोर्टिंग्स वर फाउंड, एज एन ऑडिटर व्हाट विल यू डू? आप बताओगे कि भाई अपने आप में ऐसा है तो हम और चेकिंग करेंगे और उसके बाद भी अगर हमको रिकॉर्ड्स नहीं मिलते हैं तो फिर हम रिपोर्ट क्या करेंगे? बोलो क्या लिखोगे? अनमॉडिफाइड, मॉडिफाइड, क्वालिफाइड, एडवर्स, डिस्क्लेमर, क्या? ऐसी जगह मॉडिफाइड लिखा जाता है। तो जब क्वेश्चन में फैक्ट्स इनकम्प्लीट हो जिससे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये कैश वाउचर्स या कैश एक्सपेंस कंपनी के फाइनेंशियल या टोटल एक्सपेंस का बड़ा पोर्शन है या स्मॉलर है, तो आप क्या वर्ड यूज करना है एग्जाम में? मॉडिफाइड। तो मॉडिफाइड बनाए इसलिए क्या है कि व्हेन आई से मॉडिफाइड ओपिनियन, इसका मतलब फिर आप देख लो कि अगर वो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं तो, या बड़ा अमाउंट है, सिग्निफिकेंट है, तो एडवर्स, नहीं तो फिर क्वालिफाइड। डिस्क्लेमर तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि डिस्क्लेमर जब चेक नहीं कर पाते तो जाता है। ये सब पढ़ेंगे 700 सीरीज में, बट बेसिक पता होना चाहिए क्योंकि आगे के चैप्टर से आपको ये सब लिखा हुआ मिलना शुरू हो जाएगा। अभी आप कंपनी ऑडिट पढ़ोगे तो वहां क्वालिफाइड, कहीं एडवर्स, कहीं डिस्क्लेमर लिखा हुआ मिलेगा। ये बेसिक अपने को क्लियर नहीं होगा तो फिर इससे अच्छा एक छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं। आजकल दोस्तों एक में नई चीज एक और आती है जो हर कंपनी में नहीं होती है, लेकिन एक नया ऐसे आया है, सुना होगा आपने, 701 की ऑडिट मैटर्स। व्हाट आर की ऑडिट मैटर्स? थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए जी, की ऑडिट मैटर्स ये क्या है? गुरप्रीत बताओ। अरे क्यों, ऑडिट में आए होंगे ना अभी तुम्हारे, इस साल के आएंगे अब। ओके, की ऑडिट मैटर बताएं एनीवन। सुनाओ कभी कुछ याद हो, आई मीन सुनने से ज्यादा अगर कुछ बताओ।
ट्राई करो, अरे कुछ नहीं। एनीबडी एनीथिंग, कम ऑन। हाँ तुक्का मारो। हाँ हमने कामकाज किया तो उनसे क्या कोऑपरेशन मिला और कैसे सपोर्टिव थे, और एक थोड़ा फीडबैक ऑडिटर का, की ऑडिट मैटर तो की है, तो थोड़ा सीरियस लग रहा है। सुनो, की ऑडिट मैटर एक ऐसा मैटर है आपको लगता है कि जिसने ये पूरे ऑडिट को अफेक्ट किया है। अफेक्ट किया इसका मतलब दैट इज वन सिग्निफिकेंट थिंग विच यू वॉन्ट दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजर्स टू स्पेसिफिकली नो बिकॉज इट हैज अफेक्टेड द होल ऑडिट प्रोसेस। लाइक अगर आप एक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर, सिंपल एग्जाम्पल ले लो, ऑडिट करते हो तो AS 7 लगेगा उस पर, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, या IND AS 115, जिसमें रेवेन्यू कितना रिकॉर्ड होता है, जितना परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीट होता है। और परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड निकालना आपको मालूम है साइंटिफिकली तो होता नहीं, अपन निकालते ना कितनी कॉस्ट लगी और टोटल कितनी लगने वाली है उसके आधार पे। आप बताइए क्या वाकई एज एन ऑडिटर रेवेन्यू चेक करना तो हर कंपनी में इंपॉर्टेंट होता है, क्या कॉन्ट्रैक्टर का रेवेन्यू बहुत ज्यादा एस्टिमेटेड टाइप का होता है क्या? यस। और ये क्या आपकी एंटिटी की प्रॉब्लम थी या ये इस तरह की एंटिटी का या ऑडिट का एक स्पेशल फीचर ही होता है? यू मे डिसाइड दिस इज अ की ऑडिट मैटर एंड यू मे डिस्क्लोज इट। कि कंपनी के, ये कह रहे हैं एम्फेसिस ऑफ मैटर में दे सकता था मैं, एम्फेसिस ऑफ मैटर और की ऑडिट मैटर को डिफरेंशिएट करूंगा जब अपन SA 701 पढ़ेंगे, और वहां पे बकायदा ये डिस्कशन होता है कि कब की ऑडिट मैटर और एम्फेसिस ऑफ मैटर सेम हो सकते हैं और तब आप क्या करोगे। पर एक चीज समझना, की ऑडिट मैटर और एम्फेसिस ऑफ मैटर का एक बेसिक डिफरेंस है, कोई पर्टिकुलर चीज को एम्फेसाइज करना, लेकिन कोई पर्टिकुलर चीज आपके पूरे ऑडिट को अफेक्ट कर रही है, ये डिफरेंस है दोनों में। मेरी कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा टैक्स, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने केस लगा रखा है जो कंटिजेंट लाइबिलिटी में डिस्क्लोज्ड है, क्योंकि मैंने माना नहीं है इसमें नुकसान होगा। आप बताओ क्या लगता है, ऑडिटर का मानना है कि कंपनी ने जो डिस्क्लोजर दिया है वो सही है पर अमाउंट बहुत बड़ा है, ऑडिटर इसे क्या करना पसंद करेगा? एम्फेसाइज, क्योंकि इससे उसका पूरा ऑडिट अफेक्ट नहीं हुआ है, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पॉइंट है। बोलो, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अगर सारे रिकॉर्ड ही सीज कर लिए और आपने उनकी सर्टिफाइड कॉपी इससे पूरी चेकिंग करी है, आप बताओ क्या ये चीज आप यूजर को बताना चाहोगे क्या? और क्या सिर्फ इसे एम्फेसाइज करने से काम होगा या ये तो की ऑडिट मैटर हो जाएगा? तो गोइंग कंसर्न रिलेटेड इश्यूज कैन बी की ऑडिट मैटर्स, इश्यूज विच आर अफेक्टिंग योर ओवरऑल एस्टिमेशन। जैसे हमारी कंपनी ने क्या किया है, सब चीजों में फेयर वैल्यू मेथड यूज किया है, फेयर वैल्यूएशन हुआ है हर जगह। अब आप बताओ फेयर वैल्यूएशन में बहुत ज्यादा एस्टिमेशन होते हैं क्या? फिक्स असेट्स की वैल्यू हुए, इन्वेंट्री वैल्यू करी है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का वैल्यूएशन हुआ है, तो ये आपके लिए हो सकता है पूरे ऑडिट में बहुत बड़ा मुद्दा रहा। जैसे अब आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा, इम्पेयरमेंट सुना है क्या आप? जिस कंपनी में फिक्स असेट्स का इम्पेयरमेंट होता है किसी साल में, उसमें बहुत पूरे ऑडिट का एक बड़ा फोकस ही इम्पेयरमेंट चेक करना हो जाता है, क्योंकि उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है पूरे ऑडिट में। ऐसी चीजों को की ऑडिट मैटर कहते हैं। थोड़ा थोड़ा आया समझ में, अभी ज्यादा डिटेल में नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे। तो की ऑडिट मैटर आज की तारीख में हर कंपनी को नहीं करना होता है, स्पेसिफिक सेट ऑफ कंपनीज में ये डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है। बट यस, जो आपके ऑडिट में, यू समझ लीजिए कि पूरे ऑडिट को अफेक्ट कर रहा है, इट इज नॉट अ मिसस्टेटमेंट और लिमिटेशन, इट इज एन इनहेरेंट फीचर ऑफ दैट काइंड ऑफ एंटिटी, सच मैटर्स विल बी डिस्क्लोज्ड अंडर की ऑडिट मैटर्स। आया समझ में? तो ओपिनियन में ये सारी चीजें आती है, इतनी सब तरह की चीजें देखना होती है। इसमें एक बात ध्यान रखना, मॉडिफाइड ओपिनियन दो केस में ही आएगा, जब क्या हो, ऑडिटर पे कोई लिमिटेशन इम्पोज की गई हो या फिर मिसस्टेटमेंट। मिसस्टेटमेंट कौन सा? अनकरेक्टेड मटेरियल मिसस्टेटमेंट।
मुझे एक बात बताओ दोस्तों, एज एन ऑडिटर आपका काम करने का तरीका क्या होना चाहिए? गलती मिली तो आपको क्या करना चाहिए नेक्स्ट? मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करना चाहिए, और अगर वो सुधार दे तो गलती मिलती है, हम मैनेजमेंट को बताते हैं, वो सुधार देता है। क्या रिपोर्ट करना है या नहीं करना है? हमने और चेकिंग की, और गलती मिली, बताया, सुधार दिया, सुधारते जा रहा है, जितनी बताते हैं सब सुधार देता है। ऐसा लगता है ऑडिट नहीं करा रहा, हमसे सुधरवा रहा है। क्या रिपोर्ट करना है आपको? नहीं कर पाओगे, सिर्फ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स ही रिपोर्ट करते हैं। अरे बोलो, यानी ऑडिटर इज नॉट अ रिपोर्टर। रिपोर्टर ऐसा करते हैं ना कि उनको कोई चीज मिल गई तो वो सीधे रिपोर्ट में डाल देते हैं, फिर बाद में सुधर जाती है, तो फिर बाद में आता है ना दैनिक भास्कर में कि सबसे पहले हमने ये मुद्दा उठाया था और हमारे रिपोर्टर ने प्रकाशित किया था हमारे अखबार में, हमने सबसे पहले इस मुद्दे को, और आज देखिए सुधर गया। ऐसा नहीं करना ऑडिटर, में रिपोर्ट में ऐसा मत लिख देना, ये जो फिक्स एसेट आज आपको दिख रहे हैं ये हमारी देन है। तो हम सिर्फ जो गलतियां सही नहीं हुई है उसको रिपोर्ट करते हैं। लिमिटेशन का मतलब क्या होता है? कुछ ऐसी सीमाएं जिन कारण से हम चीजों को चेक नहीं कर पाए, ये दो कारण से रिपोर्ट मॉडिफाई होती है। लिमिटेशन से क्या बनेगा? डिस्क्लेमर या एडवर्स? डिस्क्लेमर। और मिसस्टेटमेंट से क्या बनता है? एडवर्स। और दोनों से क्या बन सकता है? क्वालिफाइड। ये कुछ टर्म्स हैं जो आगे अलग अलग जगह यूज करने के लिए आएंगे। ध्यान रखना, डेफिशिएंसीज से कभी भी रिपोर्ट एडवर्स या क्वालिफाइड नहीं होती है। डेफिशिएंसी शब्द किसके साथ यूज करते हैं? इंटरनल कंट्रोल्स, क्योंकि वो हमारे स्कोप में इंटरनल कंट्रोल की डेफिशिएंसी रिपोर्ट करना ही नहीं। तो ये ऑडिट की डेफिनेशन दोस्तों, जिससे एक बेसिक आइडिया आपको लग गया होगा किस चीज का, कि थोड़ा सा ऑडिट में अपने का स्कोप क्या है। एग्जैक्टली अपन जब करेंगे ऑडिट तो अपने को कुछ टर्म्स पता होना चाहिए और एग्जैक्टली हमें किस लेवल तक जाना है ये पता होना चाहिए। जितनी चीजें अभी अपन ने पढ़ी है, नहीं लिखी तो चलेगा, ये सब स्टैंडर्ड्स में अच्छे से आएगा। बट मैं वहां तक रुकता तो बीच के चैप्टर्स में अपनी अंडरस्टैंडिंग कहीं गैप आ जाती, इसलिए मैंने पहले इनको कवर करा दिया, ठीक है। और अब मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेता हूं किसका, हमारे पहले चैप्टर का। तो आज से हम शुरुआत कर देंगे किसकी? चलिए, तो वी विल स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक टुडे, व्हिच इज गोइंग टू बी व्हाट? एथिक्स, प्रोफेशनल एथिक्स, कोड ऑफ एथिक्स, अलग अलग तरह से बुलाया जाता है इसको। क्या लगता है इसमें क्या प्रिस्क्राइब्ड होगा? आचरण, बहुत बढ़िया, एक सीए का आचरण कैसा होना चाहिए, वेरी नाइस। क्यों जरूरी है ऐसा प्रिस्क्राइब करना? इनफैक्ट एक बात बताऊं, सीए का कौन सा आचरण है जो रेगुलेट किया जाएगा? ऑल आचरण, ऑल कंडक्ट और प्रोफेशनल कंडक्ट। सवाल पूछने का दूसरा तरीका, एक सीए ने दो शादी कर ली, पहले के होने के बावजूद दूसरी कर ली, हेलो, तो दूसरी वाले ने केस कर दिया कि बताया नहीं हमको, पहली थी और दूसरी कर ली। आप बताओ क्या इंस्टीट्यूट कुछ कर पाएगा इस सीए का? सीए ने अपने कहीं बर्थडे पार्टी रखी थी किसी होटल में और कैमरे में कैद कर लिया गया कि वहां से उसने कटोरी चम्मच चुराए, चुरा के ऑफिस ले आया वो। आप बताइए दोस्तों, क्या ये मुद्दा सीए इंस्टीट्यूट में अगर कंप्लेन हुई तो क्या इंस्टीट्यूट इसमें कोई एक्शन लेगा? बोलो। एक सीए को गुस्सा आ गया बहुत, कोलकाता नाइट राइडर्स जब हार गई तो स्टेडियम में चले गया और धोनी के साथ डिशुम डिशुम करके आ गया और टी शर्ट पहन के गया था जिसमें लिखा हुआ था आई एम अ सीए। क्या इंस्टीट्यूट कुछ कर पाएगा? सबसे पहली चीज समझना दोस्तों, आप कोड ऑफ एथिक्स कहो या प्रोफेशनल एथिक्स, इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट को रेगुलेट करेगा, फिर वो उसका प्रोफेशनल कोड हो या पर्सनल। इसका मतलब अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट पर्सनल लेवल पर भी कोई मिसकंडक्ट करता है तो भी इंस्टीट्यूट उसके अगेंस्ट में एक्शन ले सकता है। ऑब्वियस सी बात है, कंडीशन क्या है उससे, अगर इंस्टीट्यूट को लगता है कि उसकी रेपुटेशन खराब हो रही है तो दूसरी शादी करने से शायद रेपुटेशन खराब ना हो तो इंस्टीट्यूट एक्शन ना ले। लेकिन इस तरह की पब्लिक प्लेस प्रॉपर्टी का चोरी करने से डेफिनेटली रेपुटेशन खराब हो सकती है तो इंस्टीट्यूट एक्शन ले सकता है। समझ रहे हो आप लोग क्या बोल रहे हो?
तो प्रोफेशनल एथिक्स का मतलब ये मत समझना कि ये सिर्फ प्रोफेशनल कोड को रेगुलेट करेगा। प्रोफेशनल एथिक्स का मतलब है कि एक प्रोफेशन का एथिक्स, यानी सीए प्रोफेशन का एथिक्स, जिसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, ये इंश्योर करना क्या कि प्रोफेशन की डिग्निटी खराब ना हो। तो एक बात बताओ, क्या हर प्रोफेशन का एथिक्स होता है क्या? लॉयर्स का भी कोई एथिक होता हो गया क्या? मोस्ट अनएथिकल। डू लॉयर्स हैव एन एथिक्स? चलो एक सवाल पूछता हूं आपसे, बड़ा मजेदार। दो मिनट के लिए मैं आपको बोलता हूं कि लॉयर का एथिक्स है, क्या लगता है उनका एथिक्स क्या बोलता होगा? लॉयर्स सच्चाई का साथ दो या क्लाइंट का साथ दो? तो अगर लॉयर को पता है कि उसका क्लाइंट झूठा फरेबी बदमाश है, तो भी क्या लॉयर उसे बचा सकता है? और अगर सपोज उसने बचाया, तो क्या उसके अगेंस्ट में बार काउंसिल, जैसे अपना ACI की काउंसिल है, कोई एक्शन लेगी? फरेबी को बचाने की कोशिश की किसी लॉयर ने अगर, तो क्या बार काउंसिल एक्शन लेगी? नहीं, क्योंकि पता है एडवोकेट लॉयर्स का एथिक्स कहता है दैट यू शुड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ योर क्लाइंट। उनका एथिक्स ये नहीं कहता दैट यू विल लेट द ट्रूथ प्रिवेल। अगर उनका एथिक्स कहता है ट्रूथ शुड प्रिवेल, या आपको सच्चाई का साथ देना है, तो आप समझिए फिर कसाब जैसे लोगों को कभी लॉयर ही नहीं मिलेंगे, मिलना भी नहीं चाहिए हालांकि, बट फिर भी मिला तो सही। क्यों? क्योंकि कानून का क्या मानना है, सच्चाई क्या है, ये लॉयर डिसाइड नहीं कर सकता, ये तो कोर्ट डिसाइड करेगा। तो जब आपको पता ही नहीं है सच कौन है और झूठ कौन बोल रहा है, तो हम ये कैसे बोल सकते हैं कि आप सच्चाई का साथ दो? हम तो सिर्फ आपको ये देंगे, हम कहेंगे कि आप अपने क्लाइंट का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करो। दैट इज व्हाई इवन द कल्प्रिट्स हैव द राइट फॉर अ ट्रायल एंड दे ऑल्सो हैव अ राइट टू एंगेज एन एडवोकेट और अ लॉयर टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। लेकिन दोस्तों, हमारा कोड ऑफ एथिक्स ये नहीं कहेगा। अगर सीए का कोड ऑफ एथिक्स ये कह दे, क्या कह दे? प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ योर क्लाइंट। बस मजे फिर गया है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है फिर तो। अपने को हर तरह की टैक्स की चोरी करवाना है, सब कराना है, ऐसा नहीं। हमारा कोर्ट क्या कहेगा? हमारा कोर्ट तो यही कहेगा कि हमें क्या करना चाहिए, ट्रू एंड फेयर जो है उसको दिखाना चाहिए, गलत है तो रिपोर्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, ये जो कोड ऑफ एथिक्स या प्रोफेशनल एथिक्स बनाया गया, इसका बेसिक फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव क्या है? हर प्रोफेशन में यूजुअली एक एथिक्स होता है। इनफैक्ट एक प्रोफेशन और एक वोकेशन को यही डिफरेंशिएट करता है। Vocations may not have a legal framework of ethics which bind them. आज एक इंजीनियर एक एथिक्स में बाउंडेड होगा, एक कंपनी सेक्रेटरी के ऊपर उसका एथिक्स होगा, एक लॉयर एक प्रोफेशनल है उसका एथिक्स होगा, डॉक्टर्स उनका अपना एक एथिक्स होगा। लेकिन से फॉर एग्जाम्पल आप बात करोगे फैशन डिजाइनर्स, इंटीरियर डिजाइनर्स, इनके कोई एथिक्स नहीं होंगे, दे आर नॉट प्रोफेशनल्स। तो प्रोफेशन की गरिमा को बनाए रखने के लिए एक एथिक्स बनाया जाता है दोस्तों, और वो एथिक रेगुलेट करता है उस प्रोफेशन को। और आप अगर उस प्रोफेशन का पार्ट है, तो उस प्रोफेशनल एथिक्स का पालन करना आपकी जिम्मेदारी। और अगर आपने नहीं किया, तो इंस्टीट्यूट की काउंसिल, डिसिप्लिनरी कमेटी, वो सब बना के पड़ेंगे, आपके अगेंस्ट में एक्शन लेगी और आपकी डिग्री तक छीनी जा सकती है। तो ये एथिक्स किस तरह की बातें बताएगा? एक तो यही कि गलत काम नहीं करना, और क्या? तो एथिक्स क्या करता है, दो पार्ट में डिवाइड करता है डिस्कशन को। वो बोलता है क्लाइंट के साथ गलत नहीं होना चाहिए, प्लस तौर तरीके गलत नहीं होना चाहिए। और इसके लिए उन्होंने क्या किया है, दो शेड्यूल बनाए। क्या बनाए? शेड्यूल वन, शेड्यूल टू। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट में दो शेड्यूल हैं, शेड्यूल वन, शेड्यूल टू। शेड्यूल वन में वो सारे मुद्दे हैं जो हम चाहते हैं गलत तरीके काम करने के, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट, राइट? जैसे कि कमीशन देके काम लेना। क्या एक सीए अपनी फीस शेयर कर सकता है? सीए ने आर्टिकल्स को खुला न्योता दे रखा है, ऑडिट लाओ, फीस का 10% स्टाइपेंड के रूप में पाओ। दो चार आर्टिकल तो महीने के लाख लाख रुपए निकाल रहे हैं, जुगाड़ो एकदम। सीए को भी अखड़ नहीं रहा, केबिन बन गया एक का तो।
अब आप बताइए क्या अलाउड है क्या ऐसा। तो ये जो है ये शेड्यूल 1 में दिए हुए हैं इस तरह की चीजें, कमीशन देके काम नहीं लेना, एडवर्टाइजमेंट नहीं करना, फीस कभी भी ऐसी कोट नहीं करना कि काम हो गया तो पैसे लूंगा नहीं तो नहीं लूंगा। आ रही है भी बात समझ में? और शेड्यूल 2 में क्या बोला है, क्लाइंट का डेटा लीक नहीं करना, पता है गलती है फिर भी रिपोर्ट नहीं करना, ऐसा नहीं करना, इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रखना, अगर आपका इंटरेस्ट है, खुद का इंटरेस्ट है तो फिर रिपोर्ट में ओपिनियन कभी नहीं देना। इस तरह से इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, क्या डिफाइन किया है, मिसकंडक्ट। क्या डिफाइन किया है, मिसकंडक्ट। इंस्टीट्यूट बोलता है अगर आप इनमें से कुछ भी करोगे तो माना जाएगा कि आप क्या हो, दोषी है। इसे क्या बोलते हैं, मिसकंडक्ट। मुझे बताओ दोस्तों, क्या ये जो एथिक्स का कोड है, ये जो हमारा, ये अपने सीए इंस्टीट्यूट का खुद का बनाया हुआ है या ये इंटरनेशनल कोड है? तो दोस्तों इंटरनेशनली देर इज अ बॉडी विच इज नोन एज आईफैक, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स। आईफैक ने भी एक कोड ऑफ एथिक्स बनाया, लेकिन आईफैक का कोड ऑफ एथिक्स प्रिंसिपल बेस्ड है। क्या बोला मैंने, प्रिंसिपल बेस्ड है। क्या मतलब प्रिंसिपल बेस्ड है? वो ये नहीं बोलता एडवर्टाइज नहीं करना, मार्केटिंग नहीं करना, काम नहीं मांगना, गलत काम नहीं करना, पता हो फिर भी झूठ नहीं बोलना, ऐसा नहीं बोलता। वो बोलता है अगर आप एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है या एक प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल है तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप 5 तरह की थ्रेट्स आपके ऊपर हावी नहीं होना चाहिए। यू शुड कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम 5 थ्रेट्स। अपन पढ़ेंगे अपने कोर्स में, मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूं, थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड समझ में आए जो अपन पढ़ने जा रहे हैं उसका। तो बोलता है आपको हमेशा क्या ध्यान रखना है कि अगर आप प्रैक्टिसिंग आदमी हो और ओपिनियन दे रहे हो तो 5 थ्रेट से बचना है। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, खुद का इंटरेस्ट हो तो क्या नहीं करोगे, ओपिनियन नहीं दोगे। सेल्फ रिव्यू थ्रेट, जिसका ऑडिट करो उसकी अकाउंटिंग नहीं करना, इंटरनल ऑडिट नहीं करना, नहीं तो खुद की चेकिंग करने लग जाओगे। हेलो। एडवोकेसी थ्रेट, तुम क्लाइंट के एडवोकेट नहीं हो, तुमको क्लाइंट को बचाना नहीं है, तुमको जो सही है वो बताना है। फेमिलियरिटी थ्रेट, लंबे समय तक एक क्लाइंट का ऑडिट नहीं करोगे, जो रोटेशन ऑफ ऑडिटर के प्रोविजन है ना, क्योंकि फेमिलियर बहुत ज्यादा हो जाने से फिर ऑब्जेक्टिविटी खत्म हो जाती है। इंटिमिडेशन थ्रेट, डरना नहीं है तुमको कि यार मैंने रिपोर्ट क्वालिफाई कर दी तो ऐसा नहीं हो कि क्लाइंट ऐसा बोल दे, इसलिए तुम्हारा लड़का स्कूल से जब बाहर निकलता है तो 2 मिनट तक खाली खड़े रहता है, डरना नहीं अपने को। समझ में आ रहा है आपको? तो बोलता है इन थ्रेट से बचना है। तो वो क्या बोलता है, सुनना समझना, आईफैक बोलता है कि हर कंट्री से हमारा ये निवेदन है कि वो अपने कोड ऑफ एथिक्स या लॉज ऐसे बनाए ताकि एक सीए इन 5 थ्रेट से बच सके। पूरा कंपनीज एक्ट उसके ऊपर बेस्ड है, रोटेशन ऑफ ऑडिटर फेमिलियरिटी थ्रेट से बचाने के लिए। आपने पढ़ा होगा सेक्शन 144 बोलता है ना, सीए अगर ऑडिट कर रहा है तो फिर मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, अकाउंटिंग, इंटरनल ऑडिट ये सब सेवाएं नहीं दे सकता, वो सेल्फ रिव्यू थ्रेट से बचने के लिए। 141 में बोला है ना, इनडेटनेस हो, शेयर होल्डिंग हो, अगर आपकी रिलेटिव डायरेक्टर के एमपी हो तो ऑडिट नहीं करोगे, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट से बचने के लिए। आपको बोला गया है कि आपको ऐसे हटाया नहीं जा सकता, आपको हटाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट तक की परमिशन लगेगी अगर आपकी एक्सपायरी ऑफ टर्म से पहले आपको हटाया जा रहा है, वो इंटिमिडेशन थ्रेट से बचने के लिए कि आपको डरा धमका के बाहर ना किया जा सके। आ रहा है भाई समझ में आ रहा है? तो ये जो अलग अलग आपकी थ्रेट्स है, एडवोकेसी थ्रेट के लिए पेनल्टीज डाली गई है कि अगर आपने क्लाइंट की तरफदारी करी तो ऑडिटर पे आपने देखा होगा कंपनीज एक्ट में 25-25 लाख की पेनल्टी लगती है। तो ये क्या है, उन्होंने बोला है कि भैया इफेक्ट तो प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है कि ये हमारे सिद्धांत है, आपको इन सिद्धांतों को एनफोर्स करने के लिए अपना कानून बनाना है। तो आईसीआई ने क्या किया, समझ रहे हो आप लोग, आईसीआई ने क्या किया, कोड ऑफ एथिक्स जो बनाया ना उसके 2 पार्ट कर दिए। पार्ट 1 आप बोल सकते हो आईफैक कोड और पार्ट 2 है आईसीआई कोड। आईफैक कोड में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा सिवाय किसके, प्रिंसिपल्स के। ये 5 सिद्धांत आपको मिलेंगे वहां बस, बट डिटेल कोड आपको किसमें मिलेगा, आईसीआई कोड। तो एक बात बताओ, व्हाट इज कोड ऑफ एथिक्स, इज इट एन एक्ट और अ रेगुलेशन, व्हाट इज इट?
एक मैन्युअल है, ये एक्ट नहीं है। एक्ट सीए एक्ट 1949 है, रेगुलेशन सीए रेगुलेशन 1988 है, कोड ऑफ एथिक्स एक मैन्युअल है। दैट मैन्युअल कंटेन्स पार्ट ऑफ सीए एक्ट, पार्ट ऑफ सीए रेगुलेशंस, पार्ट ऑफ इंस्टीट्यूट नोटिफिकेशंस, गाइडलाइंस, ये सबका एक कंपाइलेशन है जो कोड ऑफ एथिक्स कहलाता है। 2009 में इंस्टीट्यूट ने ये कंपाइलेशन बनाया था जिसको कोड ऑफ एथिक्स नाम दिया गया। आप कभी भी एग्जाम में ऐसा नहीं लिख पाओगे एज पर कोड ऑफ एथिक्स, आप क्या लिखोगे एज पर सेक्शन 6 ऑफ सीए एक्ट, एज पर शेड्यूल 1-2 सीए एक्ट, एज पर रेगुलेशन 41 ऑफ सीए रेगुलेशन। पर ये रेगुलेशन, ये वाला सेक्शन, ये वाला शेड्यूल, ये सब किसमें रेफर किया गया है? कोड ऑफ एथिक्स में। तो आप यू समझ लो कोड ऑफ एथिक्स एक चैप्टर है ना, ये क्या एक किताब है, एक मैनुअल है जिसके अंदर इन सब चीजों में जो चीज एथिक्स से रिलेटेड है उनका एक कंपाइलेशन किया गया जो अपने कोर्स में अपन पढ़ रहे हैं। तो ये जो मैनुअल बनाया ना, इस मैनुअल का पहला पार्ट है आईफैक कोड और दूसरा पार्ट है आईसीआई कोड। आईफैक कोड पहले आपके सिलेबस में हुआ करता था, पहले का मतलब क्या है 2015 तक, फिर हटा दिया गया, फिर न्यू सिलेबस में वो वापस लेकर आ गए। तो कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, बस वो पांच प्रिंसिपल्स प्राइमरीली अपने को डिस्कस करना है, वो आईफैक कोड है और फिर अपन सीधे किस पे जंप करके आ जाएंगे, आईसीआई कोड में। कुछ कुछ आ रहा है क्या समझ में आप लोगों को, बोलो। ठीक है, इस तरह से कोड ऑफ एथिक्स को ड्राफ्ट किया गया। तो आप देखो स्कीम इंडेक्स अगर आप देखोगे तो यहाँ टू थिंग्स, आईफैक कोड एंड दी आईसीआई कोड। ठीक है, आपको कुछ सब नोट्स मिले होंगे, ये जो नोट्स हैं ये आपकी लेयर वन है। ठीक है, आप चाहो तो लेयर वन से रेफर कर सकते हो, यू विल हैव द बुकलेट्स आल्सो अवेलेबल हियर, तो यू इफ यू हैव दोस बुकलेट्स यू कैन गो थ्रू दैट। बट अभी डिस्कशन करने के लिए आपको लेयर वन काम में आएगी। यूजुअली क्लास में आपको क्या करना पड़ेगा, ये सारी जो भी डिस्कशन हमारा होगा ये आप किसके थ्रू देखना, लेयर वन लेयर टू दोनों साथ में। तो डिस्कशन करते समय लेयर टू और फिर रिवाइज करते समय लेयर वन, इस तरह से अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आप देखें इनफैक्ट इफ यू सी आईफैक कोड हैज थ्री पार्ट्स, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी, जो अपन बाद में डिस्कस करेंगे, अभी इसको स्किप करते हैं। अभी मैं आपको आईसीआई का कोड बताता हूं क्या है। तो देखो वापस से कोड ऑफ एथिक्स क्या है दोस्तों, एक मैनुअल है। इस मैनुअल को क्या किया है, दो पार्ट में डिवाइड किया है, पार्ट ए और पार्ट बी, और इन दोनों पार्ट में टोटल मिला के 7 चैप्टर्स है। चैप्टर 1 अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3 आईफैक कोड का पार्ट है, चैप्टर 4, 5, 6, 7 आईसीआई कोड का पार्ट है। अपन पहले किससे शुरुआत कर रहे हैं बोलो ना, आईसीआई कोड से। आईफैक कोड अपन बाद में देखेंगे, थोड़ा बेस बन जाए अपना क्या है। आईसीआई कोड में अगर आप देखो तो दोस्तों कितने चैप्टर्स हैं, 4, 4, 5, 6, 7 नंबर के। आपको जो पढ़ना है ना प्राइमरीली वो मालूम है क्या है, चैप्टर 5। हमारा मेजर डिस्कशन 90% टाइम क्या डिस्कस करने में जाएगा, कोड ऑफ एथिक्स का वो पार्ट जो सीए एक्ट और सीए रेगुलेशंस में दिया हुआ है। सवाल, क्या कोड ऑफ एथिक्स पढ़ने के बाद आपको सीए एक्ट के सारे सेक्शंस आ जाएंगे क्या, नहीं। क्या कोड ऑफ एथिक्स पढ़ने के बाद सीए एक्ट के वो सारे सेक्शन जो कोड ऑफ एथिक्स में रिफर किए गए हैं वो आपको आ जाएंगे क्या, यस। तो व्हाट वी आर डिस्कसिंग इज नॉट द सीए एक्ट, द पार्ट ऑफ द एक्ट एंड रेगुलेशन विच इज अ पार्ट ऑफ कोड ऑफ एथिक्स। तो आप ध्यान रखना आपको सेक्शन 1 से लेके सारे सेक्शन नहीं आएंगे, किसके, सीए एक्ट के, वो अपने कोर्स में नहीं आया समझ में। बट मेजर डिस्कशन जो अपना है वो सीए एक्ट और रेगुलेशंस का ही है। ठीक है, तो आप यू समझ लो इसको पढ़ लिया आपने तो आपने 90% एथिक्स पढ़ लिया। इसके बाद फिर कुछ गाइडलाइंस है और रिकमेंडेटरी मेजर्स है। व्हाट वी आर डिस्कसिंग इज, मैं आपको क्विकली अभी चैप्टर 4 बता देता हूँ। थ्योरेटिकल डिस्कशन है, एग्जाम में इसके ऊपर एज सच कभी क्वेश्चन आया नहीं है। आईसीआई एक बार बस क्वेश्चन पूछ लिया था इन्होंने और कंपलसरी क्वेश्चन था 5 मार्क का, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेटमेंट एंड गाइडेंस नोट, एक बार ये सवाल आया था। आईपीसीसी में भी पूछा जा चुका है ये सवाल, आया था क्या किसी का उसमें, ध्यान हो तो। दिस क्वेश्चन वॉज आस्ट, पहला क्वेश्चन था कंपलसरी, डिफरेंस बिटवीन स्टेटमेंट एंड गाइडेंस नोट, उसका जवाब यहां पर है। चैप्टर 4 बोलता है इंस्टीट्यूट अलग अलग तरह के पब्लिकेशन निकालता है जिसको प्रोनाउंसमेंट्स कहते हैं, उनकी अथॉरिटी क्या है। तो 3 तरह के पब्लिकेशंस निकलते हैं दोस्तों, कितने, 3। क्या क्या नाम है इनका, स्टेटमेंट, गाइडेंस नोट्स और स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तीनों में क्या फर्क है,
स्टेटमेंट गाइडेंस नोट्स, चलो आपके पास ये होगा है ना, ये अपनी लेयर वन है किसकी, कोड ऑफ एथिक्स की। लेयर वन में अभी अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं, एप्लीकेबिलिटी ऑफ अनाउंसमेंट आईफैक कोड अभी स्किप करे, तो आप लोग यहां पर हो ठीक है। तीन चीजें मैंने बोली, स्टेटमेंट, गाइडेंस नोट्स और स्टैंडर्ड्स। बहुत ही सिंपल है, बताओ भाई क्या फर्क है। सबसे पहली बात, स्टैंडर्ड मैंडेटरी होता है क्या, क्विक, अरे बोलो। हाँ, गाइडेंस नोट रिकमेंडेटरी, अरे बोलो ना, रिकमेंडेटरी। स्टेटमेंट मैंडेटरी लिखा है। चलो पहली बात, मैंडेटरी का मतलब क्या होता है। AS2 या NDS2 कहता है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन कैन बी डन यूजिंग वन ऑफ द टू मेथड्स व्हेन द इन्वेंट्री इज इंटरचेंजेबल FIFO और वेटेड एवरेज, राइट। बोलो, मेरी कंपनी फैशन आर्टिकल्स में डील करती है, इसलिए हम लोग सबसे पहले नया वाला माल बेचते हैं और सबसे आखिरी में पुराना वाला। कुछ समझ में आया भाई, फैशन गारमेंट्स में आप डील करते हो तो आप नॉर्मली क्या करोगे, ग्रीटिंग कार्ड्स में डील करते हैं आप नॉर्मली क्या करोगे, पहले नए वाले बेचोगे या पहले पिछले साल के बेचोगे, नए वाले, थोड़े ना नए को पुराना करके बेचना है, तो पहले नए वाले बेचेंगे। यानी एक्चुअल में FIFO चलता है या वेटेड एवरेज या LIFO, LIFO लास्ट इन फर्स्ट आउट। पर AS2 और NDS2 दोनों कहते हैं FIFO या वेटेड एवरेज में से कुछ यूज करूं। अब आप बताइए दोस्तों, क्या मैं मेरी कंपनी के लिए LIFO फॉलो कर सकता हूं, LIFO, क्योंकि रियल में मैं LIFO यूज करता हूं लास्ट इन फर्स्ट आउट। बोलिए, बोलिए, कितने लोग बोलते हैं नहीं, कितने बोलते कर सकते हैं, कितने बोलते हैं कर सकते हैं ऑन द कंडीशन कि मैं उनको क्रॉस क्वेश्चन नहीं करूंगा। जी हाँ गुरप्रीत बताइए। हाँ मतलब नहीं कर सकते क्यों, स्टैंडर्ड्स आर मैंडेटरी, मैंडेटरी मतलब खत्म, पत्थर की लकीर है, फिनिश। पर फिर आप बताओ लॉजिकली LIFO बेहतर है तो भी क्या मैं LIFO पे नहीं जा सकता। तो एक चीज समझिए, यही स्टैंडर्ड का मतलब होता है। अगर इंस्टीट्यूट ने बोला है FIFO और वेटेड एवरेज में से एक मेथड यूज होगा, तो आप एक चीज सोचो, ये तो ज्यादा मुश्किल रहा होगा ना इंस्टीट्यूट के लिए, उनको क्या मजा आ रहे हैं, बोल रहे थे कोई भी मेथड यूज कर लो, उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया है, इसका मतलब क्या है, कोई कारण है। LIFO मेथड की एक प्रॉब्लम होती है, लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब बताओ बचा कौन सा है, पुराना वाला। इसका मतलब आपकी इन्वेंट्री हमेशा किस पर आएगी मालूम है, आदम के जमाने की कॉस्ट पे। आदम के जमाने की कॉस्ट पे मतलब समझ रहे हो, जो चीजें आपने शुरू में खरीदी थी उस समय जो कॉस्ट आ रही थी उस कॉस्ट पे आपकी इन्वेंट्री आएगी, क्योंकि बचा पुराना वाला है जो कि रियलिस्टिकली सही मायने में कॉस्ट का प्रेजेंटेशन ही नहीं है, इसलिए उन्होंने LIFO मना किया, तो आप यूज नहीं कर सकते। अगर ये गाइडेंस नोट होता ना तो आप अपना लॉजिक देके इसकी बजाय कुछ और यूज कर सकते थे, स्टैंडर्ड में ऐसा नहीं कर सकते। हालांकि वो बात अलग है दोस्तों कि अगर कभी स्टैंडर्ड ही आपको बोल दे कि भैया FIFO और वेटेड एवरेज यूज करो, पर आपको लगता है कोई और मेथड बेहतर है तो वो भी कर लो, तो बात ही खत्म हो गई। जैसे कि इंडेस ऐसा कहते हैं कि अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि इंडेस फॉलो करने से ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन नहीं आ रहा है, तो आप इंडेस के अगेंस्ट जाके भी अकाउंटिंग कर सकते हो विथ प्रॉपर डिस्क्लोजर्स, बट AS में ऐसा नहीं है। एनीवेज मैं अभी कुछ और समझाना चाह रहा हूं, स्टैंडर्ड मतलब पत्थर की लकीर है, यानी कि जो लिखा है फॉलो करना ही है, आपके पास कोई चॉइस नहीं है। तो कहीं घुमा फिरा के कैसे भी आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले, किसी भी तरह से आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ऐसे 580 रिक्वायर्स एन ऑडिटर टू ऑब्टेन रिटन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट अबाउट ऑडिटर्स सॉरी अबाउट मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बट ऑडिटर फील्स दैट इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट,
एंड ऑडिट कैन बी रिपोर्ट कैन बी गिवन इवन विदाउट ऑब्टेनिंग दैट रिप्रेजेंटेशन कमेंट. क्या ऑडिटर अपनी अप्रोच में सही है? तो हम बोलेंगे अगर स्टैंडर्ड ने लिखा है कि ये लेना है तो लेना है. अगर स्टैंडर्ड ने एक्सेप्शन दिए होते और उस कारण से नहीं लिया तो चलेगा, पर लिखा है लेना है तो लेना है, आपके पास कोई चॉइस नहीं है. तो आप बताइए दोस्तों, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग जो आप पढ़ोगे क्या वो मैंडेटरी है या रिकमेंडेटरी? स्टैंडर्ड लिखा है मतलब मैंडेटरी, फॉलो करना ही करना है, आपके पास चॉइस नहीं है. गाइडेंस नोट में आपके पास चॉइस होती है. तो फिर एक बात बताओ, गाइडेंस नोट क्यों देता है इंस्टीट्यूट? इंस्टीट्यूट खुद ही कंफ्यूज है क्या कि सही है कि नहीं पता नहीं हमने को, हो सकता है. नॉर्मली गाइडेंस नोट तब दिया जाता है जब कोई चीज नहीं होती है या इंडस्ट्री की प्रैक्टिस बहुत वेरीड होती है और इंस्टीट्यूट नहीं चाहता कि बांध दे वो, तो वो शुरुआती दौर में गाइडेंस नोट दे देता है. जैसे ऑडिट अंडर कारो 2016 के ऊपर इंस्टीट्यूट ने गाइडेंस नोट दिया. कारो 2016 से पहले क्या होती थी किसी को बताएं क्या? कारो 2015 वो एक साल के लिए रही, उससे पहले क्या होती थी पुराने कंपनीज एक्ट में? कारो 2003. कारो 2003 के ऊपर इंस्टीट्यूट ने स्टेटमेंट ऑफ ऑडिट अंडर कारो 2003 दिया था. क्या दिया था? स्टेटमेंट. क्यों? शुरुआती दौर में उन्होंने गाइडेंस नोट दिया, फिर उन्होंने देखा प्रैक्टिसेस सब सिंक्रोनाइज हो चुकी हैं, स्टेबलाइज हो चुकी हैं, तो उन्होंने उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया? स्टेटमेंट. स्टेटमेंट्स आर मैंडेटरी. तो सर नाम स्टेटमेंट क्यों दिया, स्टैंडर्ड क्यों नहीं दिया? स्टैंडर्ड दोस्तों आज की तारीख में इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल हो तो ही हम स्टैंडर्ड्स देते हैं. आईसीआई इज अ मेंबर ऑफ आईफैक. आईफैक की एक बॉडी आपकी आईएएसबी, इंटरनेशनल अकाउंटिंग सॉरी इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड. इट इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ आईएएसबी, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड. ये सब अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड जारी करती है. आज की तारीख में आईसीआई इन सबका मेंबर होने के कारण ऐसा नहीं कर सकता कि अपनी मन मर्जी से कोई भी नया स्टैंडर्ड लागू कर दे. अगर वो करेगा तो उसको आईएएसबी में या आईएएसबी में जवाब देना होगा कि यार इसने ऐसा स्टैंडर्ड क्यों लागू किया. तो जहां आईसीआई को लगता है कि कोई ऐसी प्रैक्टिस है जो सिर्फ इंडियन कॉन्टेक्स्ट में रेलिवेंट है और उस पर एक मैंडेटरी नोट देना है, तो उसके लिए क्या होता है? स्टेटमेंट. स्टेटमेंट के उदाहरण, स्टेटमेंट ऑन पीयर रिव्यू. पीयर रिव्यू समझते हो क्या? सीए का ऑडिट दूसरा सीए आगे करता है, वो दूसरा सीए कैसे आगे ऑडिट करेगा इसके लिए इंस्टीट्यूट ने उसको क्या दिया है? स्टेटमेंट. आप बताइए क्या उस पर स्टैंडर्ड बनता है क्या? नहीं, क्योंकि वो इंटरनेशनल नॉर्म्स के अनुसार नहीं है. तो स्टैंडर्ड दो चीजों के होंगे, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग, जो इंटरनेशनल नॉर्म से मैच करेंगे. इसके अलावा गाइडेंस नोट और स्टेटमेंट. स्टेटमेंट कहां दिए जाएंगे? जब आपको लगता है कि ये कोई लोकल प्रैक्टिस है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट की है, पर हमें इसे मैंडेटरी करना है. तो आप बताइए सर, अगर स्टेटमेंट और गाइडेंस नोट कॉन्फ्लिक्टिंग हुए तो कौन की बात मानना? स्टेटमेंट. स्टैंडर्ड और गाइडेंस नोट कॉन्फ्लिक्टिंग हुए? स्टैंडर्ड. स्टैंडर्ड और स्टेटमेंट कॉन्फ्लिक्टिंग हुए? स्टैंडर्ड. क्यों? स्टैंडर्ड ऑब्वियसली इंटरनेशनली एक्लेम्ड. कभी दो स्टैंडर्ड कॉन्फ्लिक्ट कर गए? पॉसिबल है क्या ऐसा? दो एएसी कॉन्फ्लिक्ट कर जाए आपस में, हो सकता है क्या? पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है, होने में सब हो सकता है क्या? AS 16 बोरोइंग कॉस्ट बोलता है, बोरोइंग कॉस्ट असेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज नहीं करना अगर असेट रेडी टू यूज हो, क्वालिफाइंग असेट नहीं हो. जबकि AS 19 लीज बोलता है कि अगर आपने लीज पे कोई फाइनेंस लीज पे असेट लिया है तो फाइनेंस लीज के जो चार्जेस आपने पे किए हैं वो आप असेट की कॉस्ट में ऐड कर देना. जबकि फाइनेंस लीज के चार्ज एक तरह की बोरोइंग कॉस्ट ही है. अरे फाइनेंस लीज मतलब बोरोइंग ही हुई ना, असेट टेकन विद बोरोइंग. नहीं छोड़ो, रहने तो गलत तार छेड़ दिए मैंने. ऐसे होते हैं कॉन्फ्लिक्ट. कॉन्फ्लिक्ट आए तो जो प्रोविजन या जो स्टैंडर्ड बाद में आया है वो पुराने पे प्रिवेल करेगा. लेटर द बेटर. बाद में आया मतलब AS 15 में और AS 16 में झगड़ा हो गया तो क्या प्रिवेल करेगा? तो 15 रिवाइज हुआ है 16 के आने के बाद तो 15 करेगा. तो नॉर्मली आप तो दिमाग में ये रखना कि जो नंबर आगे का है वो प्रिवेल करेगा.
पर ऐसा हमेशा हो जरूरी नहीं है, डेट ऑफ पब्लिकेशन देखा जाएगा। आया भाई समझ में? इज दिस क्लियर? तो ये तीन तरह के आपके क्या होते हैं, दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ प्रोनाउंसमेंट्स विच यू विल नॉर्मली फाइंड, एंड दिस इज द एप्लीकेबिलिटी ऑफ दीज प्रोनाउंसमेंट्स। डेफिनेटली नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत ही अनइम्पॉर्टेंट सा प्रोविजन है, बट कभी एग्जाम में एक आध बार पूछा हुआ है कोर्स में, अपन ने कवर कर लिया। ठीक है दोस्तों, आज अपन ने क्या किया है, वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, सबसे पहले मैंने बैच का इंट्रोडक्शन दे दिया, सेकंड मैंने आपको थोड़ा सा ऑडिट की ब्रीफ और वो ब्रीफ बताने में थोड़ी सी टर्म्स सुना दी, और थर्ड मैंने कोड ऑफ एथिक्स इंट्रोड्यूस करके आपको दे दिया है। रियल कोड ऑफ एथिक्स का डिस्कशन दोस्तों अपना कल से शुरू होगा, जहां पे अपन क्या पढ़ने वाले हैं एक्चुअल में, चैप्टर 5 सीए एक्ट और रेगुलेशंस, वहां से एक्चुअल कोड ऑफ एथिक्स शुरू होगा। ये सिर्फ एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था, इफेक्ट कोड वगैरह सब आखिरी में। चलिए, थैंक यू।